नमस्कार स्वागतम एक बार फिर से बैंक प्राइवेटाइजेशन का जो जिन फिर निकल के आ रहा है पिछले पिछले कई दिनों से पिछले तीन चार महीनों से यह शान था कि बैंक प्राइवेटाइजन आगे क्या होना है लेकिन फिर यह बातें उभर के आ रही हैं कि सरकार एडामेंट है बैंक प्राइवेटाइजेशन करने के लिए और अभी तक ये था कि गवर्नमेंट अपना सिक्सटी अपना ट्वेंटी सिक्स परसेंट का स्टेक इसमें रखेगी और बाकी प्राइवेटाइजेशन के लिए सेल करेगी लेकिन अब यह मामला उभर के आ रहा है कि गवर्नमेंट अब इंटायर स्टेक सेल करने के लिए तैयार हो रही है जैसा कि खबरों में आ रहा है इकोनॉमिक्स मैगज़ीन्स में आ रहा है द गवर्नमेंट इज ओपन टू द आइडिया ऑफ अफोर्डिंग इट्स entire equity in the two state run banks that are proposed to be privatized instead of the initial plan to retain a 26% stake to garner greater interest from the potential investor a senior official of told to the economic times niti ayog has already recommended the privatization of indian overseas bank and central bank of india although the government is at to formally name the sale of candidates the government holds 96.38% in iob and 93.08% in cbi the banking law which is expected to be introduced in the monsoon session of parliament to facilitate privatization may propose that the minimum government holding in the public sector banks to be trimmed Trimmed, to, trimmed 0 from the current 51% earlier press reported that while the banking lodge might propose that the government retain at least 26% the center was willing to set its entire stake in the select bank should the investor so demand the proposed Proposal garlanded gathered <coughs> traction days after a team of officials from the Department of Investment and Public Asset Management held talks with the investor during the road shows in the US earlier this month for the government's stake sale in IDBI Bank. The Banking Law's Amendment Bill 21 was listed as the part of the legislative business for the winter session of parliament that concluded on December 23-21. However, the government deferred the bold plan amid force protest by the banks union of the polls in key states like Uttar Pradesh. Late last month Financial Services Secretary Sanjay Mehrotra said the government was an advanced stage of the finalization बैंक प्राइवेट फ्रेंड्स यानी कि अब गवर्नमेंट चाहती है कि हम पूरा का पूरा बैंक बेचते हैं हमारे पास कुछ ना रहे यानी कि 26 परसेंट ऑफ दो रिटेन करना चाह रही थी वो भी नो नए अमेंडमेंट के साथ इसको अपने पास जीरो स्टेक रखेगी ताकि कि पूरा का पूरा बैंक बेचा जा सके बात यहां पर गवर्नमेंट का डिसीजन सबको पता है लेकिन यूनियन का डिसीजन Why not is protesting all these things? जब सब कुछ खेल खत्म होने के बाद यू बी यू अथवा ए आई बी ए अथवा और हमारे बैंक लीडर तब सामने आएंगे जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा जब वेंकट चलम साहब एफ एम से मिलने जाते हैं तो मुख्य बातों के बजाय इधर उधर की बातें क्यों करते हैं वाई नॉट दे आर रिक्वेस्टिंग विदांस मिनिस्टर टू अवॉइड द बैंक प्राइवेटाइजेशन ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो गवर्नमेंट उसको विड्रॉ ना कर सके अपहोल्ड ना सर कर सके किसानों का किसान बिल जब वापिस हो सकता है तो बैंक प्राइवेटाइजन का डिसीजन वापिस क्यों नहीं हो सकता है और वो बैंक जो प्रॉफिट में है अभी मार्च बाईस के रिजल्ट के हिसाब से कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो प्रॉफिट में ना हो फिर ऐसे अपने सिल्वर और गोल्ड और यूटेंसिल्स को बेचने का औचित्य क्या है ये मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी जो बैंकों में पब्लिक सेक्टर बैंकों में अपना स्टेक जीरो परसेंट रखेंगे ये एयर इंडिया अथवा कोई ऐसी स्टील कंपनी नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंक इज द बैक बोन ऑफ इकोनॉमी और सिंस नाइनटीन सिक्सटी डूइंग दे रोल वाइटली सो फ्रेंड यहाँ पे रिक्वेस्ट है हमारे उन लीडर्स से जो इधर उधर की बातें करने के बजाय एक असली पॉइंट पे आए जो बैंक जो गवर्नमेंट को मना सकें गवर्नमेंट को रोक सकें कि हमारा बैंक प्राइवेटाइजेशन किसी भी कीमत पर ना हो Thank you friends.